राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची, जहां कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड का यह मेरा पहला दौरा है, जहां आज नारी न्याय सम्मेलन समेत संगठन को मजबूत करने और संगठन को बड़े बदलाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, इस न्याय पर बात होगी। बात होगी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर बात होगी कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपका जो भी राज्य है हमारे, वहां पर किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो मणिपुर हो, गुजरात की बिल्किस बानो, हरियाणा की साक्षी मलिक हो, भाजपा के सांसद विधायक और मंत्री अपराधी हैं, दोषी हैं, सत्ता संरक्षण दे रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। इन लड़ाइयों को लेकर हम जा रहे हैं। हम आगे जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण कि गांव में बैठी बहन बेटियां गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, हम उन बहनों तक पहुंचेंगे नारी न्याय यात्राओं के माध्यम से, उन बहनों से बात करके उनको आर्थिक सशक्तिकरण, कैसे वो अपने घर बैठे 10-15 हजार रुपए कमा सकती हैं, उस पे हम उनको मदद करेंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे।